नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेडिटेशन के इस लाइव प्रोग्राम में। ये कैप्सूल प्रोग्राम है जो क्वारंटाइन टाइम में आप सभी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें योग निद्रा, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग, रेकी और बहुत सारी चीज़ें, हिप्नोथेरेपी, इन सबको कंबाइन करके इसमें जो भी छोटा छोटा चीज़ें हैं उन सबको हमने एक कैप्सूल प्रोग्राम में आप सबके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है और इसका फ़ायदा आप सभी उठा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया है, हमने इसे टॉपिक ओरिएंटेड कर दिया है। हमने सबसे पहले आप लोगों को एडिक्शंस पे काम करने को बताया, फिर एंग्जाइटी पे बताया, और आज हमने, जैसा कि हमने पहले ही पब्लिश करा था, कि क्रिएटिव अबेंडेंस मीन्स अबेंडेंस को कैसे क्रिएट करें, लग्जरी को कैसे क्रिएट करें अपने अंदर के अबेंडेंस को। तो अंदर के अबेंडेंस हमारा है, हमारा पीस, हमारा हैप्पीनेस, हमारा हैप्पीनेस, ये सबसे बड़ा अबेंडेंस है। क्योंकि हम कितना भी सामान फिजिकली रख लें, अगर मन में शांति नहीं है तो शायद ये सब चीज़ें भी अच्छी नहीं लगेंगी। हमारा आज का जो सेशन है उसमें मैक्सिमम मैं, आप जानते हैं, जैसा कि मैं सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ, मतलब जो हमारे लिए, आपके लिए कंफर्टेबल है। पर अगर ऐसा आपको लगता है कि ये और हिंदी में होना चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं, या इंग्लिश में होना चाहिए तो कह सकते हैं। बट इन जनरल मुझे लगता है कि हिंदी ज़्यादा हो और सामान्य भाषा प्रयोग की जाए तो वो जल्दी हिट करती है। शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी भी सामान्य व्यक्तियों को बहुत जल्दी वो ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इस सेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है उसमें शुरू करते हैं एक भजन के साथ। और इसके लिए आप अपने ध्यान को लगाइए। किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाना है और एक्ट करना है भाव के साथ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सारी चक्षुओं के साथ। मींस आपको डांस करना है अपने लिए, स्पिरिचुअल, अपने ईश्वर के लिए, और भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, वर्ड्स के साथ, एक एक सेल के साथ, एक एक टिश्यू को, एक एक नर्वस सिस्टम को, सबको कोऑर्डिनेट करते हुए, सारे सिस्टम्स को। करें अपने आप को, इमेजिन करें, अपने आप को कल्पना करें, हो जाएं इस जन्म में। किसी भी मेडिटेटिव पोज में मन से, शरीर से, इंद्रियों से अपने ईश्वर के लिए एक्ट करें। आपको नरिश करना है अपनी एक एक सेल को इस म्यूजिक से, इस भाव से, स्पिरिचुअलिज्म से, और आप कर सकते हैं।
एक एक सेल को, एक एक ग्लैंड को नरिश कर रहा है म्यूजिक। मेरा मेडिटेशन कमांड बेस है, सब कुछ आंखें बंद करके करना है, आ जाए ऑन कर लें और मेरे को जो सुन रहे हैं आप वो करें, सब कुछ कमांड में है। फोन को डिस्टेंस पे रख दें और लास्ट में उठाइएगा, शेयर करने की इच्छा हो शेयर कीजिएगा, कमांड्स करने की इच्छा हो कमांड्स कीजिएगा, जो भी मन हो कमेंट्स कीजिएगा। अभी तो यूज कीजिए, फ्रूटफुल कीजिए ये आधा घंटा, एक्ट करें जैसे आप खुद गा रहे हैं, खुद डांस कर रहे हैं हर एक इंद्रिय से। आंखें बंद रहने दें और कुछ देर म्यूजिक खत्म होने के बाद भी इसी धुन में अपने आप को मग्न देखें, जैसे आपको ये धुन सुनाई पड़ रही है ऐसा देखें और ऐसा ही होगा। अगर आपने मन से किया है, भाव से किया है, मन से किया है, तो बंद होने के बाद भी आपको इसकी आवाज सुनाई देती रहेगी। अब आप मेरे कमांड्स को फॉलो करते जाएंगे, हल्की हल्की सांसों को महसूस करते जाएं, अराउंड योर नॉस्ट्रिल अपसाइड द अपर लिप, फील द सेंसेशन ऑफ योर ब्रीदिंग, श्वास पे कंट्रोल करें, ध्यान दें और उसकी वॉर्म्थ को महसूस करें, उसकी गुड फील को महसूस करें, अराउंड योर नॉस्ट्रिल अपसाइड द अपर लिप, फील द सेंसेशन ऑफ योर ब्रीदिंग। जैसे जैसे आप अपनी ब्रेथ को महसूस करते हैं, आपका बॉडी एकदम शिथिल होता जाता है, मन शांत होता जाता है, ऊर्जा से भरता जाता है। डीप इनहलेशन एंड डीप एक्सहलेशन, श्वास ले रहे हैं, स्टमक पूरा फिल हो रहा है, पूरी गहरी सांस लीजिए पूरा, और श्वास छोड़ेंगे तो पूरी श्वास धीरे 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 बाहर छोड़ देंगे। इसको अपनी हैबिट बनाइए, जब कभी भी मन करे डीप ब्रीदिंग दो चार ले ली, इनहेल, शोल्डर मूव अपवर्ड होंगे, चेस्ट बाहर फैलेगा और फिर एब्डोमेन बाहर की तरफ निकलेगा, फिर स्लोली स्लोली एब्डोमेन अंदर, लंग्स नॉर्मल, ब्रीद आउट, पूरी बाहर निकाल दें पूरी, गुड फील, इनहेल, इनहेल किया लंग्स एक्सपेंड हुए डायफ्राम, फिर फील किया स्टमक पूरा बाहर की तरफ एक्सपेंड, और अब धीरे 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 एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाहर निकालिए श्वास को पूरी पूरी पूरी, फुल एक्सहेलेशन, वन मोर टाइम, इनहेल, स्टमक बाहर की तरफ एक्सपेंड हुआ, फुल ब्रेथ इनहेल करिए जितनी कैपेसिटी है और फिर एक्सहेल करें धीरे धीरे, पहले से ही स्लो कर दें, पहले से ही एक्सहेलेशन स्लो हो जाएगा, और स्लो और स्लो और स्लो और स्लो,
Do it with affirmation. Inhaling confidence, peace, happiness. सब कुछ एक सेल में, एब्डोमेन में, पैरों में, सब में फील हो गया. Now, exhaling pain, soreness, problems, irritation, anxiety, depression. Very good. Again, inhaling happiness. पूरा पेट फूलना चाहिए. और अब exhaling all type of stresses, all type of negative thought. Exhale totally, relax, totally relax. जैसा हमारा आज का टॉपिक था creative abundance, उसके हम आपको कमांड्स देंगे और आप उसे करते जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे. आज हम अपने अंदर अबंडेंस यानी प्रचुरता को बढ़ाने जा रहे हैं, रिचनेस, और सीखने जा रहे हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे बढ़ाया जाए. आपको यह बताने में मुझे खुशी हो रही है कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं और अपने अंदर अबंडेंस को क्रिएट किए हुए हैं. चलिए देखते हैं कि आप अपने अंदर कैसा अबंडेंस क्रिएट किया है, क्योंकि आप विश्वास करें ना करें, आप अबंडेंट हैं. आप सामान्यतः यह कहते हैं कि ज़्यादातर मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ, तो आप डिप्रेसिव अबंडेंट हैं, यानी डिप्रेशन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं. आप ऐसा कहते हैं, जो मेरे नज़दीक रहता है मैं उससे हमेशा गुस्सा करता हूँ, चिढ़ा रहता हूँ, तो आप एंगर अबंडेंट हैं. और आप ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जो काम ही नहीं कर रही, तो आप रिलेशनशिप अबंडेंट हैं. अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं हैं. जिस तरह से आपने अपनी चीज़ें सेट की हैं, आपके पास दूसरी चॉइसेस हैं जिससे आप और बेहतर कर सकते हैं. लेकिन क्रिएशन इन अबंडेंस का प्रोसेस सेम ही है. अब आप अपनी एनर्जीज को मेरे साथ रीडायरेक्ट करेंगे. अब आप अपनी रियल पावर के सेंटर को पहचानें. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को नए सजेशंस दें जो आप चाहते हैं. आप अपनी ब्रेथ यानी श्वास और मेरे कमांड्स पर ध्यान लगाए रखें. अपने एब्डोमिनल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन को फील करें जो अभी मैंने आपको कराया था. आप रिलैक्स हो रहे हैं और आप अपनी ब्रेथ के साथ अपने लिए नया बिलीव क्रिएट कर रहे हैं. आपको अपने ऊपर विश्वास है. अब अपनी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सपेंड करें यानी बड़ा आयाम दें. अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशंस को बहने दें, फ्लो करें. मैं एक लाइन अफर्मेशन की इंग्लिश में बोलूंगी और एक लाइन हिंदी में बोलूंगी और उसको आपको रिपीट करना है और उस एनर्जी को क्रिएट होते हुए देखना है. मींस कभी भी आप जब कमांड्स को लें, मेरे एनर्जी के साथ लें, इमेजिनेशन के साथ लें, सिर्फ मैकेनिकली सुने ना. अब आप मेरे कमांड्स को फॉलो करेंगे. आई एम क्रिएटिव पर्सन, मैं रचनात्मक व्यक्ति हूँ. आई हैव
रिमार्केबल इनसाइट। मेरे पास अंतर्दृष्टि है। आई ड्रीम ब्यूटीफुल ड्रीम्स। मैं देखता हूँ। माय माइंड इज स्ट्रॉन्ग। मेरा दिमाग मजबूत है। आई हैव लिमिटलेस पोटेंशियल। मेरे अंदर असीमित क्षमता है। आई हैव ऑसम आइडियाज। मेरे पास कमाल के विचार हैं। चैलेंजेस ब्रिंग्स मी स्ट्रेंथ। चुनौतियों से मुझे ताकत मिलती है। माय थॉट्स आर फैंटास्टिक। मेरे विचार शानदार हैं। माय एडवाइस इज सॉलिड। मेरी सलाह ठोस है। आई एम इंटेलिजेंट। मैं दिमाग वाला हूँ। आई हैव अमेजिंग एबिलिटीज। मुझ में अद्भुत क्षमताएं हैं। आई यूज माई गॉड गिव्स टैलेंट। मैं अपने ईश्वर से मिले हुए टैलेंट का इस्तेमाल करता हूँ। आई हैव इनक्रेडिबल परसेप्शन। मैं खूबसूरती से किसी भी चीज को बनाता हूँ। आई क्रिएट ब्यूटिफुली। माई माइंड इज अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। मेरा मन ईश्वर की अद्भुत संरचना है। आई हैव इनक्रेडिबल परसेप्शन। मेरी अविश्वसनीय धारणा है। आई हैव ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स। मेरे अंदर अपने और दूसरों के लिए बहुत सम्मान है। अब हम जैसे जैसे नंबर 5 से नंबर 1 की ओर आएंगे, आपको कमांड्स देते जाएंगे। नंबर 5, अब आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं और अपने आप से इंस्पायर्ड हैं, प्रेरित हैं। नंबर 4, आपके अंदर की क्रिएटिविटी मींस सबकॉन्शियस माइंड में जो एफर्मेशन डाले हैं वो कॉन्शियस माइंड से कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब आप चेतन अवस्था में भी आके अवचेतन मन के कॉन्शियस सबकॉन्शियस एफर्मेशन को कोरिलेट कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड में आकर के भी आपको सारे एफर्मेशंस रिकॉल हैं। नंबर 3, आपके चारों तरफ से आपको ग्रेट फीलिंग ऑफ अवेयरनेस है। मतलब आप अपने चारों तरफ की चीजों के लिए जागरूक हो रहे हैं। नंबर 4, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। नंबर 5, अब आप अपनी फुल अवेयरनेस में आ जाएं। मीन्स अपनी
चीजों के लिए जागरूक हो जाएं, अपने घर के प्रति, अपनी जगह के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, और हम कमांड्स दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं आप इसके प्रति। अब हम एक ग्रेटिट्यूड का फील करेंगे हर किसी के लिए। मैं आत्मा से उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, और मैं उन सभी को माफ करता हूँ जो जाने अनजाने मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अब हम अपने संकल्प की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा भारत देश स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। और इसी के साथ हम आपको ये अपील करना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में छोटी छोटी बीमारियों को भी, छोटी छोटी परेशानियों को भी, क्योंकि वो कब बड़ी हो जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता, उसके लिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा कंसल्ट करके अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी आज पूंजी है, उसको बचाएं, लोगों को जागरूक करें, और मेंटल हेल्थ पे विशेष काम किया जाए, स्पिरिचुअल हेल्थ पे विशेष काम किया जाए। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर करें। कल फिर हम मिलेंगे उसी समय। नमस्कार।